में बिना अस्थायी गौशाला का संचालन किए ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने गौशाला अनुरक्षण के नाम पर 54,000 रुपये की धनराशि को आवंटित कर दिया। आपको बता दें कि कानपुर देहात डेरापुर ब्लॉक के सरगांव बुजुर्ग ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी आदित्य शुक्ल के खिलाफ ग्रामीणों ने बिना काम के ही ग्राम पंचायत की धनराशि निकालकर हड़पने का आरोप लगाते हुए CDO से शिकायत की थी, जिसके बाद CDO सौम्या पांडे ने जांच के निर्देश दिए। वहीं जांच के दौरान ADO ग्राम पंचायत डेरापुर ने सरगांव और साही ग्राम पंचायत में कराए गए कामों के भौतिक सत्यापन के लिए पेपर तलब किए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए। वहीं इसी के साथ 3 मई 2022 को गौशाला अनुरक्षण के काम में 54,000 की धनराशि का भुगतान कर दिया गया, जबकि गौशाला का संचालन तक नहीं किया गया। वहीं जांच में घोटाले की पुष्टि के बाद DM के अनुमोदन पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।